हेलो एवरीवन आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव स्टूडेंट आज का वीडियो जो है वो है उड़ीसा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स उड़ीसा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 2023 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इकोनॉमिक्स uh, को लेकर के आपकी स्ट्रैटी क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट अप्रोच कर रहे हैं उड़ीसा से कि मैम हमारा सिलेबस भी आप लॉन्च कीजिए तो स्टूडेंट आपके सिलेबस में और जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसमें इंग्लिश के कंटेंट ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली क्योंकि आ, आप लोगों ने ये रि, डिमांड की है कि मैम ज़्यादातर इंग्लिश के कंटेंट रखिए तो ठीक है चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं और मैं स्टार्ट करती हूँ ओडिशा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 2023 स्टूडेंट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव यू जी सी नेट जेट जेट एंड पी एच डी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट माई स्पेशल पेपर इज़ इकोनोमेट्रिक्स दिस इज़ माई मोबाइल नंबर एट फोर थ्री नाइन ज़ीरो डबल सिक्स डबल नाइन फाइव एंड दिस इज माई ऐप शिप्रानिक्स इस एप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके उड़ीसा पी जी टी का लाइव क्लास आपको मिलेगा इस चैनल पर सबसे पहले देखो ओ पी एस सी पी जी टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बिल्कुल जैसा दो हज़ार बाईस के लिए है वैसा ही दो हज़ार तेईस के लिए भी होगा तो इसमें आपको सबसे पहले तो स्टूडेंट पार्ट वन और पार्ट बी पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए में आपको फिफ्टी मार्क्स के जो है क्वेश्चंस होते हैं मात्र पचास मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरल इंग्लिश का बीस कंप्यूटर का दस पेडो का टेन और जनरल नॉलेज का टेन मतलब कुल मिलाकर करके पार्ट ए केवल आपके पचास अंकों का होता है सबसे मेजर कंटेंट जो है वो है पार्ट बी जो आपका अपना सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स एंड दैट विल बी ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी मार्क्स तो कुल मिलाकर ये पेपर टू हंड्रेड मार्क्स का होगा एंड आउट ऑफ टू हंड्रेड वन फिफ्टी विल बी योर ओन पेपर दैट इज इकोनॉमिक्स तो स्टूडेंट लेट मी डिस्कस योर सिलेबस यूनिट वन इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मार्केट ये चारों तो इम्पॉर्टेंट है इन चारों के साथ साथ देखो यहाँ पर कंज्यूमर थेरी में भी आपको सब कुछ पढ़ना है जैसे इंडिफरेंस कर्व क्या है कंज्यूमर्स इक्ुलिब्रियम कैसे होता है ठीक है प्राइस इफेक्ट क्या है इनकम इफेक्ट क्या है सब्सटूशन इफेक्ट क्या है व्हाट इज एंजल कर्व कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन में आ जाए तो प्रोड्यूसर इक्यूलिब्रियम को हमें पढ़ना होता है एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना होता है आइसोकॉन्ट प्रोड्यूसर सरप्लस कॉस्ट फंक्शन कितने तरह के कॉस्ट कर्व होते हैं उनका स्लोप किस तरीके का होता है और इसमें एक जो ओडिशा के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस फॉर्म एंड वैलिडिटी ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस एक फॉर्म का क्या उद्देश्य होता है क्या ऑब्जेक्टिव होता है और उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरह से होता है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें पता है एम आर इज इक्वल टू एम सी हम फॉर्मूला uh, लगाते हैं तो इसका मतलब है जहां भी आपको मार्जिनल वर्ड आ गया वहां पर आपको इकोनॉमेट्रिक्स uh, आ गया तो इकोनॉमेट्रिक्स के लिए एक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करके एक अलग से आपको फोल्डर दिखेगा दैट इज मैथेमेटिकल इकोनॉमिक्स मैथेमेटिकल इकोनॉमिक्स का फोल्डर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ ही अटैच करके दे रही हूँ मार्केट में आपको टोटल मार्केट पढ़ना है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली पढ़नी है ओलिगोपोली पढ़ना है और मोनोपोलिस्टिक uh, कंपटीशन पढ़ना है साथ ही साथ स्टूडेंट ओलिगोपोली में इसके जो तीनों मॉडल हैं वो पढ़ने हैं देन फोर्थ सेगमेंट दिस वाज द थर्ड सेगमेंट फोर्थ सेगमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स वेलफेयर में भी आपको वेलफेयर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थेरी है मार्शिलियन पिगोवियन पैरिटो और कंपेंसेशन प्रिंसिपल ये चारों पढ़ना है और uh, डिस्ट्रीब्यूशन थियरी में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन थेरी थियरी ऑफ रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये सभी पढ़ना है अब हम आ जाए दिस वॉज द फोर्थ सेगमेंट ऑफ माइक्रो फिफ्थ सेगमेंट दैट इज गेम थियरी गेम थेरी स्टूडेंट आप लोगों को काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है पे ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे डिसाइड करते हैं वट इज़ प्रिजनर्स डायलेमा वट इज़ मिग्ज स्ट्रैटेजी वट इज़ नैश इक्यूलिब्रम ये सारी चीज़ें मेरे ऐप पर मैंने आपके कोर्स में बहुत ही अच्छे से कराई हुई है सिक्वेंशियल गेम और रिपीटेड गेम ये दो चीज़ें हैं जो मैं उसमें ऐड करूँगी इसके बाद आ जाओ द सेकेंड पार्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसका भी सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा दिया हुआ है एंड इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग से शुरुआत की हुई है मैक्रो प्लस मॉनिटरिंग मैक्रो में नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसके बाद टू सेक्टर इकोनॉमी फोर सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल एंड एक चीज़ इसमें आपको ऐड की हुई है ग्रीन अकाउंटिंग जब हम एनवायरमेंट को लेकर -कर करके अकाउंटिंग में शामिल करते हैं तो उसको ग्रीन अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं मनी में मनी मेजर्स डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसके अलावा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिप्रेशन स्टैक फ्लेशन इन सभी के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और इन सभी के कॉन्सेप्ट को मैं करंट डेटास के साथ कराती हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी अभी इंडिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रेड साइकिल थियोरी में आपको हॉटरे का मॉनिटरी थियोरी हाइक्स थेरी और कीन्स व्यू ऑन ट्रेड साइकिल ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है बैंकिंग में वट इज़ सेंट्रल बैंक इट्स फंक्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में मॉनिटरी पॉलिसी आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी होगी और उसके साथ करंट अपडेट्स तो स्टूडेंट करंट अपडेट्स के लिए मेरा एक और कोर्स है करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी ये कोर्स भी आपको मेरे ऐप आप पर उपलब्ध है करंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमी में मैं हर दिन के जो करंट uh, अपडेट्स होते हैं उसको मैं डिस्कस करती हूँ करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी टू 2022 अभी चल रहा है और इस कोर्स की वैलिडिटी मैंने वन ईयर की रखी है ठीक है तो इसको आप ले अगर इसको आप लेते हो तो जो भी करंट अपडेट्स हैं वो आपके अच्छे से हो जाएंगे बैंकिंग uh, में आपको बैंक प्लस एन पढ़ने हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ को अलग से बताया है इसका मतलब इसको आपको डिटेल में पढ़ना है कि हम नॉन बैंकिंग इंटरमीडियरीज क्या है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एन बी एफ सीज वॉट इज़ द क्राइटेरिया टू बी एन बी एफ सीज व ये सारी चीज़ें आपको इसमें अलग से मैं बताऊंगी ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मंडल फ्लेमिंग मॉडल मंड्री फ्लेमिंग मॉडल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये जो मॉडल है स्टूडेंट ये आपको इंटरनेशनल और मैक्रो दोनों में आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम नेशनल इनकम का क्लासिकल अप्रोच किन्ज इन अप्रोच कंजम्शन फंक्शन जितने तरह के हम पढ़ते हैं अब्सोल्यूट रिलेटिव परमानेंट एंड लाइफ साइकिल हाइफोथिस इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट टू टू सेक्टर मॉडल थ्री सेक्टर मॉडल में आपको मैथ्स हैं और यहां पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट आपको अलग से बताया गया है इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फोर सेक्टर्स वाले मैथ है आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट वे में पढ़ना है पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पब्लिक फाइनेंस को हम चार भागों में बांट के पढ़ेंगे स्टूडेंट पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक डेट एंड फेडरल फाइनेंस ये चारों टॉपिक आप में दिए हुए हैं खासकर जो इस आप में इंपॉर्टेंट है दैट इज जीएसटी डिबेट बहुत ही बढ़िया सिलेबस ये बनाया गया है जीएसटी पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही थी स्टेट्स को जो लॉस हुआ था स्टेट कह रही थी कि कॉम्पेंसेट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लॉजिक था कि दैट वाज ड्यू टू कोविड नाइन्टीन ठीक है तो ये सारा जो डिबेट चल रहा था उसको भी मैं इसमें अच्छे से कराऊंगी पब्लिक डेट पब्लिक बजट पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर ये चारों चीज़ें आपको पढ़नी है इंटरनेशनल ट्रेड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन कौन सी एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी कौन सी एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगी ये आपको ध्यान देना है साथ ही एक फॉरेन एक्सचेंज रेट इसके अलावा स्टूडेंट जितने भी ट्रेड थ्योरी है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हेक्सर रॉल इन की थ्योरी ये सारी चीज़ें आपको आ, मेरे ऐप आप में दी हुई है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में आई एम एफ वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू टी ओ एंड ए डी बी अब हम आ जाए डेवलपमेंट एंड एनवामेंटल इकोनॉमिक जिसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है दिस इज द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले तो वॉट इज द बेसिक नीड अप्रोच कैपेबिलिटी अप्रोच इकोनॉमिक वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट द सेकेंड विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज एंड ऑबस्टेकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सारी चीजें एंड मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट लाइक पी क्यू एल आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स एंड एम पी आई एन जी डी आई ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट में पढ़नी है इसके बाद थेरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में सारी ही थेरीज हैं क्लासिकल न्यू क्लासिकल क्लासिकल आ जाएगा मार्क्स की थेरी पढ़नी है शुमपीटर रोस्टो बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ लो लेवल इक्लिबियम ट्रैप एंड क्रिटिकल मिनिमम एफ तो यह सिलेबस आपका यूजीसी नेट के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है लेकिन आपके सिलेबस में नेट के सिलेबस से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है हैराडोमर रॉबिन्सन गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एकमुलेशन एंड ए के मॉडल ऑफ इंडोजिनस ग्रोथ इसके बाद आ जाएंगे पॉवर्टी इन एंड डेवलपमेंट पर जिसमें आपको कुजनेट्स की कुजनेट्स का इन्वर्टेड यू शेप का कर भी पढ़ना होता है पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी के आंकड़े जो है सेंसस टू थाउजेंड से अपडेटेड होंगे इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोल ऑफ स्टेट रोल ऑफ मार्केट मार्केट का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मार्केट फेलियर कैसे होता है मार्केट फेलियर के कारण क्या क्या है ठीक है इसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन में स्टूडेंट रोल ऑफ मल्टी नेशनल कंपनीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको पढ़ना है इकोनॉमी एंड एनवामेंट इसको हम शुरू करते हैं कहाँ से मार्केट फेलियर से मार्केट फेलियर के भी पहले मैं आपको बताऊंगी कि पब्लिक गुड क्या है प्राइवेट गुड क्या है मिक्स गुड क्या है ये सब पढ़ने के बाद हम मार्केट वट आर द रीजन बिहाइंड मार्केट फेलियर मार्केट फेलियर एंड एनवायमेंटल डिग्रेडेशन ये आपका एक चैप्टर यहाँ से शुरू होगा इसके अलावा इसमें डिफरेंट हम थेरम पढ़ते हैं लाइक like, कोज uh, थेरम ठीक है टैक्सेशन इसमें मैं आपको करंट अपडेट जोड़ूंगी अभी जो बैठक हुई थी अभी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ठीक है इजिप्ट में उसको हम इसमें जोड़ करके पढ़ेंगे जो कि एन्वायरमेंट पर था वैल्यूएशन ऑफ एन डैमेज ठीक है विलिंगनेस टू पे एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट हेडनिक प्राइस अप्रोच नेचुरल रिसोर्स एंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी ऑफ सोशल फैक्टर इसके बाद इंडियन इकोनॉमी में आ जाइए ये और भी बड़ा सा सिलेबस आप लोगों का दिया है इसमें सबसे पहले तो पॉपुलेशन से हम स्टार्ट करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड आप पढ़ोगे कि 2011 थाउजेंड सेंसस में Uh, क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं नेशनल इनकम इंडिया की क्या रही है नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आप मैक्रो में पढ़ोगे लेकिन उसमें जो डाटाज हैं वो हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है ना जब फाइव ईयर प्लान चल रहा था ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान तक किस तरह से डेवलपमेंट हुआ फिर नीति आयोग आ गया और नीति आयोग का एजेंडा क्या है इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर एक्सटर्नल इंडियन uh, एग्रीकल्चर में स्टूडेंट में जो भी अभी करंट अपडेटेड आंकड़े हैं इकोनॉमिक सर्वे के जो डाटाज हैं उसको मैं इसमें जोड़ूंगी इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे जो अपडेटेड है 2022 का उसके डाटाज़ को लेकर के हम पढ़ेंगे ताकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अब अच्छे से अपडेटेड हो जाए एक्सटर्नल सेक्टर में फ़ॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और इसके साथ ही साथ करंट ट्रेंड ऑफ फॉरन ट्रेड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इसमें एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट और इसको भी हम डिटेल में देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट टू टाइप्स ऑफ मार्केट दे फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड सेकेंड इज कैपिटल मार्केट मनी मार्केट हुज़ द रेग्यूलेटर ऑफ़ मनी मार्केट आर बी आई एंड रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इस से बी तो हम इन दोनों मार्केट को लेकर के चलेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट उसको हम डिटेल में देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एल पी जी मॉडल लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करंट चैलेंजेस दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट चैलेंजेस वॉट आर द चैलेंजेस ऑफ करंट इकोनॉमी पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है ना ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ओडिशा इकोनॉमी ओडिशा इकोनॉमी में बहुत ही कम टॉपिक दिया गया है डेमोग्राफिक फीचर तो ओडिशा औरी, इकोनॉमी की डेमोग्राफिक फीचर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में व्हाट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ओडिशा जीएसडीपी ऑफ ओडिशा इसको मैं बताऊंगी पर कैपिटा इनकम ऑफ ओडिशा राइट एंड डिफरेंट इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी रेट

फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स इन तीनों को मिला करके दिया गया है सबसे पहले हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पर चलेंगे टाइप ऑफ फंक्शन से स्टार्ट करेंगे देन डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसको करने के बाद हम आ जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन कि हाउ टू ऑप्टिमाइज प्रॉफिट हाउ टू ऑप्टिमाइज टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है है ना बोर्ड बॉर्डर हेसियन डिटर्मिनाट क्या है लेगरेंच मल्टीप्लायर मेथड क्या है तो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है और मेजर्स uh, ऑफ़ ये आपका स्टैट का पोर्शन बहुत ही सिंपल है कोरिलेशन रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी तक स्टैट पढ़ना है इसके बाद यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है दैट इज इकोनोमेट्रिक्स मीन्स अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जब हम स्टैट को ऐड करते हैं तब आ जाता है इकोनॉमेट्रिक्स तो ये स्टेट ये आपका बहुत ही बड़ा सिलेबस है यहाँ पर सबसे पहले आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है इकोनॉमेट्रिक्स इकोनॉमेट्रिक्स में हमें टेस्टिंग पढ़नी होती है है ना अनोवा टेस्ट मनकोवा टेस्ट टी टेस्ट, टेस्ट जेड टेस्ट ये सारी टेस्टिंग आपको पढ़नी है तो स्टूडेंट दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड सिलेबस इट विल टेक नॉट लेस देन थ्री एंड हाफ मंथ राइट टू बी वेरी फ्रैंक इट विल टेक नॉट लेस देन थ्री एंड हाफ मंथ ये बहुत बड़ा सिलेबस है खासकर इसका मैथमेटिकल पोर्शन बहुत बड़ा है एंड दिस इज़ माई स्पेशल पेपर स्टूडेंट तो इसके लिए आपके क्वान्टिटेटिव मैथड्स के लिए मैं अलग से भी ये कोर्स दे दूंगी एंड ओडिशा पी के लिए कोर्स मेरे द्वारा लॉन्च कर दिया गया है तो आप लोगों को कौन सा ऐप डाउनलोड करना है स्टूडेंट आप लोगों को डाउनलोड करना है शिप ऐप अन आप में से जिन एट नाइन स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर स्टूडेंट और इस ऐप आप पर आपको अभी इस समय आपको ये कोर्स मैंने अपलोड कर दिया है जिसकी लिंक मैं इसके मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी थैंक यू सो मच बाय बाय